नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल नेचर से में। आज मैं हूं जल जंगल जमीन यानी झारखंड में। तो झारखंड एक ऐसा इंडिया के स्टेट्स है जो ट्राइबल बाहुल एरियाज है और जंगल बाहुल एरियाज है, इसीलिए जल जंगल जमीन के नाम से ही जानते हैं। और आज मैं आया हूं सिमडेगा जिले में। सिमडेगा अपने आप में इंडिया में एक ऐसा जिला है झारखंड का जो इंडिया में हॉकी के लिए प्रसिद्ध है। इंडियन प्लेयर्स को आप जानते होंगे, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो सिमडेगा से ही हैं। झारखंड एक ऐसा जगह है जो हॉकी के हब के लिए है। जैसे इंडिया में आप खेलो इंडिया के तहत झारखंड से बहुत सारे प्लेयर्स निकले हुए हैं। ऐसे ही पौराणिक दृष्टि में बात करूँ तो यूपी या अदर स्टेट्स ही नहीं हैं, झारखंड छत्तीसगढ़ भी अपने आप में पुराने दिन से भी इम्पोर्टेंस रखते हैं। ये ऐसा जगह है जिसे दंड कारण्य वन, जो पौराणिक दृष्टि से आप नाम सुने होंगे दंड कारण्य वन, और जो आप रामायण के बारे में थोड़ा सा जानते होंगे, तो एक ऐसा वन है जहाँ माता सीता की खोज के लिए भगवान राम इसी वन में घूमते हुए लंका को गए थे। तो जहाँ जहाँ भगवान श्री राम के पग पड़े हुए हैं उन एरियाज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साथ में स्टेट गवर्नमेंट मिलकर कोलाबरेशन के साथ उन जगहों को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पुनः उसका जो पुराने दृश्य से जो नाम था उसको देने की कोशिश की जा रही है। तो एक ऐसा प्लेस है जहां पर भगवान राम ने अपने तीर से ही इस जगह पर एक चिन्ह लगाया था जिसे राम रेखा के नाम से जानते हैं। जब आए राम रेखा तो दर्शन भी कर लिए जाए।